गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अपनी एजुकेशनल सीरीज में आज हम बात करेंगे अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में, जिसे आप कॉमनली एंडोस्कोपी के नाम से ही जानते हैं। ये अपर जीआई एंडोस्कोपी है। मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में बात करूंगा। नाउ, जहां तक अपर जीआई एंडोस्कोपी का सवाल है, ये एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें एक पतली रबर जैसी ट्यूब आपके गले के रास्ते से पास की जाती है। ये जो पतली सी ट्यूब होती है, वास्तव में ये बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे हम अपर जीआई एंडोस्कोप कहते हैं। नाउ, अगर आपका मुंह कम खुलता है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है आपकी माउथ की ओपनिंग, तो अगर हमें अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी है तो कभी हम नाक के रास्ते से भी करते हैं। इसके लिए और भी पतले एंडोस्कोप्स आते हैं, जिन्हें हम नेजल एंडोस्कोप कहते हैं। तो जो नेजल एंडोस्कोप हैं, अगर माउथ की ओपनिंग शॉर्ट है या कि कम है, तो आपकी नेजल एंडोस्कोपी भी की जा सकती है। नो, जहां तक एंडोस्कोप का सवाल है, ये गले में से पास होता है, आपके खाने की नली में जाता है, आपके खाने की थैली में जाता है, और इससे आगे का जो पोर्शन है, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, ये ड्यूडेनम में जाता है। इस पूरे के पूरे एरिया को ये एग्जामिन करता है। अगर कुछ ऐसा है कि हमें इससे आगे के भी इंटेस्टिन देखनी है, दैट मींस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन देखनी है, जैसे मुझे जेजुनम देखनी है, आपके आइलियम देखनी है, इसका मतलब यह है कि मुझे एंडोस्कोप को आपकी छोटी आंत में भी ले जाना है, तो इसके लिए और लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एंट्रोस्कोप। जो एंट्रोस्कोप हैं, वो वास्तव में हमारी छोटी आंत को भी एग्जामिन करते हैं। तो अगर हमें छोटी आंत भी एग्जामिन करनी है, तो वास्तव में हमें आपकी एंट्रोस्कोपी करने की जरूरत पड़ेगी। नो, जहां तक एंडोस्कोपी का सवाल है, एंडोस्कोपी दोनों काम के लिए की जा सकती है। वन इज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, इन द सेंस कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा क्लिनिकली कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके एंडोस्कोपी की जांच करके देखा जाता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिसके चलते आपको लक्षण आ रहे हैं, ताकि आपकी बीमारी को फाइनल किया जा सके। नंबर टू, ये कभी आपको थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए की जाती है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कि आपको खाने की नली में कुछ रुकावट है, जिसके चलते आपका खाना अटकता है, तो हम एंडोस्कोपी करते हैं, हमें मालूम है कि अंदर ये रुकावट है, उसके रास्ते को चौड़ा करने के लिए हम करते हैं। दिस इज दी थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी। से फॉर एग्जाम्पल आपको खून की उल्टी हो रही है, उसको बंद करने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं, तो ये थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी है। तो एक डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी होगी जो बीमारियों को पहचानने के लिए है, एक थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी होगी जो बीमारियों को ट्रीट करने के लिए है। तो ये दोनों आयाम है वास्तव में एंडोस्कोपी के, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नो, जहां तक एंडोस्कोप का सवाल है, जैसा मैंने कहा, दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इनकी जो टिप होती है, उस पर एक सीसीडी कैमरा होता है, जिसे कहते हैं चार्ज्ड कपल डिवाइस। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कैमरा, जो वास्तव में हमको डिजिटल इमेजेस देता है, जो बाहर के मॉनिटर पर आती है। इससे पहले अप्रॉक्सिमेटली आज से करीब 25 साल पहले, जब हम एंडोस्कोपी करते थे, तो वास्तव में एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक केबल होता था, या फाइबर ऑप्टिक फाइबर्स होते थे, जिनके थ्रू इमेज बाहर आती थी। वो जो फाइबर ऑप्टिक्स होते थे, उनकी इमेज की क्वालिटी ठीक तो होती थी, लेकिन इतनी शार्प, इतनी अच्छी और इतनी क्लियर नहीं होती थी, जितनी आप सीसीटीवी कैमरे से आज की तारीख में हमें अंदर का जो विजन या अंदर की इमेजेस मिलती हैं। नाउ, जहां तक एंडोस्कोपी का सवाल है, जब मुझे करना है, तो वास्तव में गले को सिर्फ सुन्न करने की जरूरत है। अगर मैं आपको टॉपिकल एनेस्थीसिया दूंगा, आपको थोड़ी सी ज़ाइलोकेन दूंगा, आपके गले में ज़ाइलोकेन स्प्रे कर दूंगा, तो आपका गला सुन्न हो जाएगा। एंड उसको गले को सुन्न करके हम आपके एंडोस्कोपी की जांच कर सकते हैं। बट इन सम सिचुएशंस, अगर आप चाहते हैं, तो आपको नींद की दवाई भी दी जा सकती है। अगर मेडिकली इंडिकेटेड है, तो आपको सिडेट किया जा सकता है। इन जो सिडेशन में हम यूज करते हैं मेडिकेशंस, वो बहुत लाइट मेडिकेशंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं द मेडिसिंस फॉर कॉन्शियस और मॉडरेट सिडेशन, जैसे मिडाजुलाम है, प्रोपोफॉल है। ये वास्तव में हमें कॉन्शियस सिडेशन देती हैं, ताकि आप बहुत क्विकली रिकवर भी कर जाते हैं। इन रेयर सिचुएशंस, कभी कभी हमें जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली अगर किसी ऐसे पर्सन में एंडोस्कोपी की जरूरत है जो बहुत हैवी अल्कोहलिक है, जो कि इसको प्रोसीजर को बहुत इजीली टॉलरेट नहीं करेगा, और समवन हु इज बेसिकली नार्कोटिक एडिक्ट, जिसको कि अफीम और इन सब को लेने की आदत है, तो कभी हमें जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, बट इट इज वेरी अनकॉमन। नो, जहां तक एंडोस्कोपी का सवाल है, 90% एंडोस्कोपीज हमेशा डेडिकेटेड एंडोस्कोपी यूनिट्स में की जाती हैं। जो डेडिकेटेड यूनिट्स होती हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर हो सकती हैं, वो आउट पेशेंट या ओपीडी सेटिंग्स में हो सकती हैं, बट दीज आर द डेडिकेटेड एंडोस्कोपी यूनिट्स, जिसमें कि एंडोस्कोपी की जाती है। बट
The availability of portable endoscopy is also there. In the sense, कि अगर हमें emergency में, emergency room में जरूरत होती है, तो हम emergency room में कर सकते हैं. अगर हमें operation theater में जरूरत पड़ती है, तो हम operation theater में कर सकते हैं. हमें अगर intensive care unit में जरूरत है, तो हम ले जाके instrument वहां कर सकते हैं. वास्तव में, there are portable endoscopy units, जिनको portable करके इन areas में ले जाया जा सकता है, जहां के endoscopy जो कंडक्ट की जा सकती है. जो एंडोस्कोपी है वो वास्तव में इस तरह की कोई मशीन नहीं है जैसे सीटी स्कैन होता है कि जिसे मूव नहीं किया जा सकता है. जो एंडोस्कोपी है ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है. एंडोस्कोपी की पोर्टेबल कार्ड्स होती हैं और उसके हिसाब से उसको इमरजेंसी रूम, आईसीयू रूम या जो ऑपरेशन थिएटर है एज नीडेड इसे पोर्ट किया जा सकता है और मोबाइल एंडोस्कोपी कंडक्ट की जा सकती है. जहां तक मुंह से करने वाली एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स का सवाल है, एक प्लेन एंडोस्कोपी के अलावा और कुछ प्रोसीजर्स होती हैं जो हम कंडक्ट करते हैं. जैसे ईआरसीपी अगर हमें करना है, जिससे हम बाइल डक्ट से स्टोन निकालते हैं या कैंसर ट्रीट करते हैं, वो भी आपके गले के रास्ते से की जाती है या मुंह के रास्ते से की जाती है. अगर हमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करना है, वो भी आपके मुंह के गले के रास्ते से किया जाता है. अगर मुझे आपकी छोटी आंत की जांच करनी है, जिसे एंट्रोस्कोपी कहते हैं, उसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो गले के रास्ते से पास किया जाता है. तो दीज आर थ्री अदर प्रोसीजर्स रूटीन एंडोस्कोपी के अलावा, जो वास्तव में आपके मुंह के रास्ते से कंडक्ट की जाती है, जो आपकी जानकारी में शायद होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि आपको अपर जीआई एंडोस्कोपी कब और क्यों कराने की जरूरत है. देखिए, अगर आपका पेट बार बार फूलता है, थोड़े से भी खाने से आपका पेट फूलता है, कुछ भी खाने से पेट आपका गुब्बारा जैसा तन जाता है, एंड वो रूटीन मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको एंडोस्कोपी की जरूरत है. अगर आप कुछ खाते हैं तो वो खाना अटकता है, चाहे वो रोटी अटकती हो, दाल अटकती हो, चावल अटकता हो, या पानी ही अटकना चालू हो जाए, तो आपको फिर एक एंडोस्कोपी की जांच कराने की जरूरत है कि आपकी जो खाने की नली है इसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है. अगर आपको यहां बार बार दर्द उठता है, जो चेस्ट पेन की कैटेगरी में आता है, लेकिन आपने हार्ट की सभी जांचें कराई और वो सब नॉर्मल आई, इसका मतलब यह है कि जो चेस्ट में पेन आपको हो रहा है ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है. अगर आपको नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है तो आपको एंडोस्कोपी की जांच कराने की जरूरत है, जिससे ये क्लियर हो कि आपके खाने की नली या ईसोफेगस में या ऊपर के एरिया में कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते आपको नॉन कार्डियक चेस्ट पेन आ रहा है. नाउ द फोर्थ इज कि अगर आपको अनकंट्रोल्ड इंट्रैक्टेबल रिकरेंट वॉमिटिंग है, जो कि मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अगर मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आपको एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है कि आपकी खाने की थैली या खाने की नली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे खाना पलट के बाहर आ जा रहा है, जिसके चलते आपको वॉमिटिंग लगातार हो रही है और जो दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. कभी आपको अगर वॉमिटिंग में ब्लड आए तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि आप एंडोस्कोपी कराइए, ताकि ब्लड का जो सोर्स है उसे पता किया जा सके. Now, there are certain diagnostic evaluation में और भी problems हैं जिनमें endoscopy की जरूरत पड़ती है. अगर आपको लगातार खून की कमी रहती है या आपको anemia लगातार बना हुआ है, तो आपको endoscopy कराने की जरूरत है कि अंदर कोई problem तो नहीं है जहां से खून leak कर रहा है. अगर यहां आपको कोई गांठ महसूस होती है नाभि से ऊपर के एरिया में, तो आपको एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है कि आपके खाने की थैली में कहीं कोई ट्यूमर या कोई गांठ डेवलप तो नहीं हो रही है. अगर आपका जो वजन है वो बिना किसी कारण के धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, अगर ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको एंडोस्कोपी की जांच करानी चाहिए, ताकि ये क्लियर हो कि आपके खाने की नली, आपके खाने की थैली, इसमें कहीं कोई डिजीज प्रोसेस तो नहीं डेवलप हो रही है जिसके चलते आपका वेट लॉस हो रहा है. नाउ अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपका सीटी स्कैन हुआ और उसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग आ रही है जो इंडिकेट कर रही हैं आपके खाने की थैली, ड्यूओडेनम या इसमें कोई जो है डिजीज प्रोसेस सस्पेक्टेड है, तो आपको फिर एंडोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ती है. तो ये तो है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के लिए इंडिकेशन जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है. देयर आर सर्टेन सिचुएशन जिसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं सर्वेलेंस के लिए. सर्वेलेंस के लिए इन द सेंस कि हम वॉच करने के लिए करते हैं कि कहीं आपको अंदर कोई कैंसर जैसी प्रोसेस डेवलप तो नहीं हो रही या कैंसर जैसी कोई प्रोसेस शुरू तो नहीं हो रही. अगर आपको खाने की जो नली है उसमें बैरेट्स ईसोफेगस है, अगर आपको बैरेट्स ईसोफेगस है खाने की नली में, तो आपको रिपीटेडली एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी टू लुक इनटू कि कहीं बैरेट्स में कैंसर जैसी कोई चीज शुरू तो नहीं हो रही है. इसलिए कि बैरेट्स को वास्तव में
प्री कैंसरस कंडीशन माना जाता है। नाउ अगर आपकी एंडोस्कोपी हुई और उसमें क्लियर हुआ कि आपके खाने की थैली में छोटी छोटी गांठें हैं जिसे पॉलिप कहते हैं, अगर बहुत सारे पॉलिप्स हैं या पॉलिपोसिस सिंड्रोम है, तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको फिर सर्वेलेंस एंडोस्कोपी पर रखा जाना चाहिए ताकि आपकी एंडोस्कोपी एक फिक्स्ड इंटरवल में हो, चाहे हर साल हो चाहे अल्टरनेट ईयर हो, टू लुक इन टू कि वो जो छोटे छोटे पॉलिप्स हैं उनमें कहीं कोई कैंसरस ग्रोथ तो डेवलप नहीं हो रही है। देन अगर आपको कभी जो एंडोस्कोपी हुई उसमें अर्ली कैंसर डिटेक्ट हुआ या अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर डिटेक्ट हुआ और एंडोस्कोपी के द्वारा ही उसको कट करके अलग कर दिया गया, तो भी आपको सर्वेलेंस एंडोस्कोपी की जरूरत है कि उस स्पॉट पर या दूसरे किसी स्पॉट पर फिर से आपको कोई कैंसर जैसी चीज डेवलप तो नहीं हो रही है। कभी अपर जी आई एंडोस्कोपी आपको इंडिकेटेड हो जाती है अगर आपको ऊपर के किसी एरिया से बायोप्सी की जरूरत है। बायोप्सी की जरूरत कब पड़ती है? आपको क्रॉनिक डायरिया है, आपका वेट लॉस हो रहा है, इन सब इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि आपको मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंटेस्टीन है, जो आप खाना खाते हैं उसका रस प्रॉपरली चूस नहीं पा रही है। अगर आपको मेल एब्जॉर्प्शन है तो आपको ड्यूडनम में से बायोप्सी कराने की जरूरत है। अगर आपके खाने की थैली में कोई ट्यूमर सस्पेक्टेड है तो आपको बायोप्सी कराने की जरूरत है कि ट्यूमर में कोई नॉन कैंसरस या कोई कैंसरस पैथोलॉजी तो नहीं है। अगर कोई इंफेक्शन डेवलप होते हैं, जैसे खाने की थैली में इंफेक्शन हैं, पर्टिकुलरली अगर हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है या ट्यूबरकुलर कोई इंफेक्शन डेवलप हो रहे हैं, तो भी आपको बायोप्सी कराने की जरूरत पड़ती है टू फाइनलाइज व्हाट काइंड ऑफ इंफेक्शन इसके अंदर डेवलप हो रहा है। एंड फॉर दैट मैटर अगर सरफेस में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, कोई भी ग्रोथ है, तो भी आपको बायोप्सी का रिक्वायरमेंट होता है। नाउ एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है कभी थेरेपेटिक इंटरवेंशन के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक आयाम है एंडोस्कोपी का जिसे कहते हैं थेरेपेटिक एंडोस्कोपी, तो अगर कोई थेरेपेटिक इंटरवेंशन हमें करना है तो भी अपर जीआई एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। थेरेपेटिक इंटरवेंशन कब करने की जरूरत है? जैसे फॉरेन बॉडी रिमूव करना है, कोई बच्चा है उसने गलती से सिक्का निगल लिया, आपने कोई गलती से पिन खा ली, आपने कोई सेफ्टी पिन अंदर खा ली या कोई बैटरी का सेल खा लिया, उसको निकालने के लिए हमें अपर जीआई एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। अगर खाने की नली में कोई सिकुड़ापन है जिसके चलते खाना अंदर नहीं जाता है, अटक जाता है, तो उसे वास्तव में हमें चौड़ा करने की जरूरत पड़ती है जिसे डायलिटेशन कहते हैं, या कभी कभी हमें इसमें स्टेंटिंग की भी जरूरत पड़ती है या एक स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है, वो भी हम एंडोस्कोपी के थ्रू करते हैं। कभी आपको ब्लड की वॉमिटिंग होती है और एंडोस्कोपी में ऐसा देखा जाता है कि आपकी खाने की नली में कहीं कोई नस तो नहीं फटी हुई है जहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो तब भी हमें आपकी एंडोस्कोपी करके इसमें या तो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं या इसके ऊपर कभी बेंड जैसी चीजों को लगाने की जरूरत पड़ती है। कभी अगर आपकी खाने की नली में कोई ट्यूमर है जो कैंसरस नेचर का है, तो इसको एब्लेट करने के लिए या उसको बर्न करके रास्ता बनाने के लिए हमें कभी एब्लेट करने के लिए अपर जे एंडोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। एंड कभी खाने की थैली में अगर गैस्ट्रोस्टमी करनी है तो यह भी एक थेरेपेटिक इंटरवेंशन है जो अपर जे एंडोस्कोपी के थ्रू किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एंडोस्कोपी सिर्फ बीमारियों को पहचानने के लिए नहीं है, एंडोस्कोपी वास्तव में बहुत सारी चीजों को ट्रीट करने के लिए है। तो जो थेरेपेटिक एंडोस्कोपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है जो एंडोस्कोपी आपको प्रोवाइड करती है। बट देर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें साइंस ऐसा मानती है कि एंडोस्कोपी शायद अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, विच आर दोज सिचुएशंस, वो आपको समझने की जरूरत है। अगर मुझे इस तरह की चीज सस्पेक्टेड है कि आपकी आंत में कहीं छेद हो गया है, से फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा पेट में दर्द लेके आते हैं और सस्पिशन इस चीज का है कि आपकी आंत में छेद है या परफोरेशन पेरोटोनाइटिस है, तो साइंस कहती है कि अगर आपकी आंत में कहीं छेद है, आप उसमें सुराख है या परफोरेशन है, तो शायद एंडोस्कोपी आपकी नहीं करनी चाहिए। नंबर टू, अगर पेशेंट मेडिकली बहुत अनस्टेबल है, उसका हार्ट रेट प्रॉपर नहीं है, ब्लड प्रेशर प्रॉपर नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अनस्टेबल अगर वाइटल्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में शायद एंडोस्कोपी रिकमेंडेड नहीं है। साइंस ऐसा भी मानती है कि इफ द पेशेंट इज वेरी अनविलिंग, नॉट कोऑपरेटिव, नॉट रियली वांटिंग टू हैव एंडोस्कोपी डन, शायद इस सिचुएशन में भी एंडोस्कोपी रिकमेंडेड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट अगर आप एंटीकोएगुलेंट्स पर हैं, तो अगर एंटीकोएगुलेंट्स पर हैं तो आपको यह देखने की जरूरत है, बिकॉज एंटीकोएगुलेंट्स पर अगर आप होते हैं तो यह प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि उसके चलते कभी कभी अगर कोई थेरेपेटिक प्रोसीजर की जाती है तो वास्तव में उस थेरेपेटिक प्रोसीजर वाले एरिया में इस चीज का हमेशा डर रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आपको ब्लीडिंग होने लगेगी। तो अगर ऐसा है तो हमें जो आपके एंटीकोएगुलेंट्स हैं उनको पहले बंद करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जहां तक डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी का सवाल है, तो डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी में उसे हम नहीं भी बंद करेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन
अगर कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें कुछ थेरेपेटिक करने हैं, से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ पॉलीपेक्टमी करनी है, उसको कट करके निकालना है, मुझे कुछ अंदर डायलेटेशन करना है, स्ट्रिक्चर को कुछ जो है डायलेट करना है, स्टेंट प्लेस करना है, या कुछ भी ऐसी थेरेपेटिक प्रोसीजर करनी है जिसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होने की संभावना है, तो ये हमेशा इस चीज का डर रहता है कि कहीं वो आपको करें और आप एंटीकोएगुलेंट ड्रग जैसे कि एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, वो ले रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो वास्तव में वहां से ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो पहले आपकी जो ब्लीडिंग प्रोफाइल या कोएगुलेशन प्रोफाइल है उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही एंडोस्कोपी करानी चाहिए। तो जहां तक कॉन्ट्राइंडिकेशन का सवाल है, दे आर वेरी लिमिटेड बट द इंडिकेशंस आर वाइड। जो इंडिकेशंस हैं वो थेरेपेटिक हैं, जो इंडिकेशंस हैं वो डायग्नोस्टिक हैं, एंड मैं ऐसा समझता हूं कि ये कुछ ऐसा इंटरवेंशन है जिसने जो बीमारियों को समझने में हमारी जो समझ है या मेडिकल साइंस की समझ है उसको बहुत डायमेंशंस बढ़ा दिए हैं, एंड जो अंदर का जितनी भी डिजीज प्रोसेस हैं उनको पहचानने में बहुत हमारी हेल्प की है। तो अगर आपके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं जो अपर जीआई एंडोस्कोपी मांगते हैं तो मेरा ऐसा सोचना है कि इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर एंड आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इफ नीडेड देन यू शुड गो फॉर एन अपर जीआई एंडोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।